हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। आज हमको स्टडी करना है रोग वेदांत का पहला अध्याय, जो कि है दोष दुस्यादि विज्ञानम। ठीक है, दोष दुस्यादि विज्ञानम। तो इसमें हम पढ़ेंगे रोग निदान का डिफिनीशन, मतलब परिभाषा, उसके इम्पोर्टेंस ऑफ रोग निदान, रोग निदान का महत्व। उसके बाद हम देखेंगे सामान्य निदान, सामान्य लक्षण ऑफ दोष वृद्धि, क्षय और प्रकोप। ठीक है, तो हम देखेंगे दोष वृद्धि, क्षय, प्रकोप के समान निदान व लक्षण, जिसमें हम देखेंगे वात प्रकोप के हेतु, प्रकोपित वात के लक्षण, पित्त प्रकोप के हेतु, प्रकोपित पित्त के लक्षण, प्रकोपित कफ के लक्षण, वात वृद्धि के लक्षण, पित्त वृद्धि के लक्षण, कफ वृद्धि के लक्षण तथा वात क्षय के लक्षण, पित्त क्षय के लक्षण, कफ क्षय के लक्षण। इसके बाद देखेंगे हम पंचविध दोष भेद की विकृत अवस्था, जिसमें हम वात के पाँच भेद के बारे में बात करेंगे, पित्त के पांच भेद के बारे में बात करेंगे तथा कफ के पांच भेद में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोष दुस्यादि विज्ञानम। तो ये हमारा चैप्टर है दोष दुस्यादि विज्ञानम। ठीक है, तो ये अध्याय पहला है रोग निदान का। अब देखते हैं हम रोग निदान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ रोग निदान। रोग निदान अर्थात रोग व रोगी की परीक्षा कर रोग को सुनिश्चित करना चिकित्सा का प्रथम सोपान है। ठीक है, तो रोग निदान का अर्थ होता है कि रोग व रोगी की परीक्षा कर रोग को सुनिश्चित करना ही चिकित्सा का प्रथम सोपान है। रोग विनिश्चय सम्यक होने पर रोग की चिकित्सा फलदायी हो सकती है। अगर रोग का विनिश्चय सम्यक है, अच्छी प्रकार से, तो रोग का चिकित्सा फलदायी या सुख देने वाला होगा। रोग के निदान के लिए आयुर्वेदिक परीक्षा पद्धति की विशिष्ट महत्वता है, क्योंकि आधुनिक काल में रोग विनिश्चय हेतु केवल प्रयोगशालाई परीक्षण व आधुनिक रोग परीक्षण विधियों पर निर्भरता आयुर्वेदिक चिकित्सा की दृष्टि से अपर्याप्त है। यद्यपि रोग का निदान आधुनिक पद्धति से किया जा सकता है, तथापि आयुर्वेद औषधियों के चयन हेतु दोष दोष दुष अग्निमंद आम स्रोतो दृष्टि आदि संप्राप्ति घटकों को जानना भी परम आवश्यक है। तो हम मॉडर्न में देखते हैं कि वो सीधे हमें टेस्ट के लिए भेज देते हैं, जैसे आधुनिक प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए, एग्जामिनेशन के लिए यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब। तो और आयुर्वेद में क्या रहता है कि हमें सबसे पहले दोष दुष अग्निमंद आम आदि स्रोतो दृष्टि के ये सब सारे संप्राप्ति घटक हम जानते हैं, फिर उसके बाद हम चिकित्सा करते हैं। रोग के निदान हेतु बृहत त्रि ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाष्टांग, हृदय में पर्याप्त वर्णन मिलता है। तथापि अल्प बुद्धि वालों के लिए रोग निदान के ज्ञान हेतु माधव निदान ग्रंथ की रचना की गई है, जो कि लघुत्रयी ग्रंथ है। अल्प बुद्धि वाले चिकित्सक के लिए रोग निदान के ज्ञान हेतु माधव निदान ग्रंथ की रचना की गई, जो कि लघुत्रयी है, जिसमें रोगों का विशद विचार मिलता है, परंतु समय अनुसार पूर्वोक्त बताए गए रोगों का स्वरूप ही बदलता जा रहा है। अतः रोगों का सैद्धांतिक ज्ञान होना, साथ ही साथ उनका व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, रोग निश्चय हेतु माधव निदान ग्रंथ की रचना 7वीं सदी में माधवकार द्वारा की गई। इस ग्रंथ में तपी ज्ञान युक्त मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान का संकलन किया गया। इस ग्रंथ को बुद्धिमान व अल्प बुद्धि वालों के लिए लिखा गया था। माधव निदान ग्रंथ पर मधुकोश टीका स्वाधिक प्रचलन में रही। ठीक है, मधुकोश टीका गुरु व शिष्य द्वारा लिखी गई, जिनके क्रमशः श्री विजय रक्षित व श्री कंठदत्त शास्त्री हैं। ठीक, आयुर्वेद निदान पद्धति का व्यवहारिक ज्ञान, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना, व आयुर्वेद चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत संप्राप्ति विघटन समझाना ही रोग निदान का मुख्य उद्देश्य है। तो रोग निदान का मुख्य उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद निदान की पद्धति का व्यवहारिक ज्ञान, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना आवश्यक है, तथा आयुर्वेद चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत दोष दुष स्रोतो दृष्टि आदि संप्राप्ति विघटन का ज्ञान होना आवश्यक है, यही रोग निदान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं रोग निदान के पर्याय। तो रोग निदान के पर्याय जो बताया गया वो है कि रोग निश्चय, रोग निर्णय और डायग्नोसिस। तो ये रोग निदान के पर्याय हो गए। अब देखते हैं हम रोग निदान की परिभाषा। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है मधुकोश टीका में अध्याय दो में, वो है पंच निदान अध्याय में श्लोक नंबर 2 और 3, वो है कि रोगाणाम विशेषेण वाजत्वादि साध असाधत्व आदि रूपेण निश्चय ज्ञानम येन सा
रोग विनिश्चय ग्रंथों, एक बार फिर से बोलता हूँ, रोगाणाम विशेषेण व्यातजत्वादि साध असाधत्व आदि रूपेण निश्चय ज्ञानम येन सा रोग विनिश्चय ग्रंथो, अर्थात माधव निदान को रोग निश्चय ग्रंथ भी कहा गया है। रोग निश्चय ग्रंथ ये है, तो माधव निदान को रोग निश्चय ग्रंथ भी कहा गया है। मधुकोश टीका के अनुसार रोग निश्चय के हेतु निम्न ज्ञान परम आवश्यक है। रोग के बाद अधिभेद का ज्ञान करना, यहाँ देखो वाजत्व आदि, ठीक है। तो रोग रोगी रोग विशेष रोगाणाम विशेष, तो रोग में विशेष कार से रुवात आदि भेद का ज्ञान करना हमें आवश्यक है। रोगों का साध्यता व असाध्यता का दृष्टि से, तो यहाँ साध्यता और असाध्यता आदि रूपेण, तो ये रोगों का विशेष रूप से वात आदि भेद का ज्ञान करना, रोगों का साध्यता व असाध्यता की दृष्टि से कार्य करना, ठीक है, ये हमारे लिए परम आवश्यक है रोग निश्चय के लिए। दूसरा जो श्लोक दिया गया है पंच निदाय अध्याय में, श्लोक नंबर 2 और 3 है, वो है कि नाना मुनिना नाम वचने आदि नाम समासता सद भिज्जाम नियोगात सो पद्रव आरिष्ट निदान लिंगो निबध्यते रोग विनिश्चय अयम। नाना तंत्र विहीना नाम भिषजम अल्पमेद साम सुखम विज्ञातु आतंकम एम एव भविष्यति, ठीक है। इसका अर्थ है कि माधव निदान ग्रंथ का मुख्य अभिधेय विषय है, यहाँ पे उपद्रव आरिष्ट निदान लिंग मतलब व्याधि के लक्षण का विस्तार से तथा सूक्ष्म रूप से ज्ञान प्राप्त करना। तो माधव निदान का मुख्य अभिधेय विषय है कि हमें क्या क्या जानना है, तो उसमें उपद्रव आरिष्ट निदान और व्याधि लक्षण मतलब लिंग का विस्तार से तथा सूक्ष्म रूप से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। रोग निदान का विषय अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सर्वज्ञ वैद्य ही इसे जान सकता है। अनेक शास्त्रों के ज्ञान से शून्य अल्प बुद्धि वाले वैद्यों को रोगों आतंकों का ज्ञान सुगमता से कराने से निमित्त यही रोग निश्चय ग्रंथ सहायक होता है। अगर अल्प बुद्धि वाला चिकित्सक भी है तो अगर वो माधव निदान माधव निकेत या माधुकोश टीका का ज्ञान कर लेता है वो, तो वो सुगमता से रोग निश्चय रोग का चिकित्सा करने में उसको सुगमता रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं रोग निदान को आधुनिक मत अनुसार मेडिकल डायग्नोसिस के समकक्ष माना जाता है। मेडिकल डायग्नोसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं हम, तो डिटरमाइनिंग कॉज एंड इफेक्ट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग बाय हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट फिजिकल एग्जामिनेशन वन और मोर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। डायग्नोसिस इज ऑफन चैलेंजिंग बिकॉज मेनी साइंस एंड सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक लाइक स्किन रेडनेस इज द सिम्टम्स ऑफ वेरियस डिजीज सो द डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज ऑल्सो अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है। एब्रीविएशन ऑफ डायग्नोसिस इज DX, ये DX एब्रीविएशन है डायग्नोसिस के लिए। मेडिकल डायग्नोसिस ये निम्न दिया है कि रोगों के कारण व उनके लक्षणों का ज्ञान किया जाता है, रोगों की इतिवृत्त को जानकर उसके शारीरिक व प्रयोगशालाई परीक्षणों के द्वारा रोगों का निदान किया जाता है। रोगों का निदान करना आसान नहीं है क्योंकि एक ही लक्षण अनेक रोगों से संबंधित हो सकते हैं, अतः प्रत्येक रोगों का सापेक्ष निदान करना भी परम आवश्यक है, ठीक है। जैसे एक ही लक्षण बहुत सारे रोगों में दिखते हैं तो हमें प्रत्येक रोगों का सापेक्ष निदान करना आवश्यक है अलग अलग। अब हम देखते हैं रोग निदान का महत्व। तो महर्षि चरक ने आयुर्वेद के त्रिसूत्र आत्मज्ञान हेतु लिंग औसत ज्ञानम का 2/3 भाग हेतु व लिंग दोनों हैं जो कि निदान पंचक के ही अंश है, अतः त्रिसूत्र ज्ञान में निदान पंचक का ज्ञान प्रधान है, ठीक है। त्रिसूत्र ज्ञान यही होता है हेतु लिंग और औसत, तो हेतु और लिंग जो है वो रोग निदान पंचक के ही अंश है। चरक के अनुसार देखते हैं, इन्होंने चरक सूत्र स्थान 20वें में बताया कि रोगम आदव परिच्छेद तत्व अंतरम औषधम तथा कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्व समाचरेत। रोगम आदव परिच्छेद तत्व अंतरम औषधम तथा कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्व समाचरेत, अर्थात सर्वोत्तम रोग की परीक्षा करें तत्पश्चात औषध की परीक्षा करें, ठीक है।
ये लिखा ना, रोग आदि की परीक्षा करें, तत अंतर मतलब उसके बाद औसत की परीक्षा करें, उपादेयता के आधार पर चिकित्सा में विभिन्न कल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा जो बताया गया है कि व्याधित तत्व परिज्ञानम वेदना याश्च निग्रह। व्याधित तत्व परिज्ञानम वेदना याश्च निग्रह, यह है ब्राह्य भवत पुराण के अनुसार वैद को व्याधि की परीक्षा ठीक प्रकार कर कराना, वेदना का निग्रह करना चाहिए। रोग निदान के कारण ही वैद का महत्व है, क्योंकि औषध व उनका उपयोग ज्ञान सभी को है, परंतु उनका सही स्थिति में प्रयोग करना रोग निश्चय द्वारा ही संभव है। तो रोग निदान के द्वारा ही हमें औषध और उनका उपयोग सही प्रकार से करना या सही स्थिति में करना हमें रोग निश्चय में ही पता चलता है। थर्ड जो बताया गया है रोग निदान का महत्व में कि रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है रोग निदान में सूक्ष्म घटक मतलब आधारभूत घटक और स्थूल घटक। इस सूक्ष्म घटक को हम माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी भी बोलते हैं और स्थूल घटक को हम क्लिनिकल पैथोलॉजी भी बोलते हैं। सूक्ष्म घटक में जो होता है कि विकृति का ज्ञान होता है, अनुमान व व्यक्ति पर आधारित होता है सूक्ष्म घटक। जो स्थूल घटक है वो रोग के ज्ञान और पृथक ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी जो रोग का ज्ञान करती है वो पृथक ज्ञान पर आधारित रहती है, जबकि माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी विकृति का ज्ञान करती है जो अनुमान व युक्ति पर आधारित रहती है। अब देखते हैं सूक्ष्म घटक या आधारभूत घटकों के बारे में। सूक्ष्म घटक तो की विकृत अवस्था का ज्ञान विभिन्न चरणों में किया जाता है। जैसे पहला है कि दोष की विभिन्न अवस्थाएं, प्रकोप छह विभिन्न भेदों की विकृत अवस्था का ज्ञान करना, आश्रय आश्रय भेदों का ज्ञान करना, यह विरोध की विभिन्न अवस्थाएं होंगी। दूसरा है कि धातु व उपधातु की विभिन्न अवस्थाएं, क्षय वृद्धि प्रदोषज विकार विद लक्षणों का ज्ञान करना। तीसरा बताया कि मल की विभिन्न अवस्थाएं, तो क्षय वृद्धि प्रदोषज विकार को जानना मल की। अग्निदृष्टि का ज्ञान करना, दोषों की विभिन्न गति का ज्ञान करना, आवरण गति का ज्ञान करना, जैसे स्रोतों की दृष्टि का ज्ञान करना, ये सब आते हैं हमें सूक्ष्म घटक या आधारभूत घटक में। ठीक है, अब देखते हैं स्थूल घटक। स्थूल घटक व्याधि के लक्षणों की परीक्षा, साइंस एंड सिम्टम्स करना व नामकरण करना। व्याधि के लक्षणों की परीक्षा करना व नामकरण करना, आयुर्वेद में लाक्षणिक ज्ञान की अधिक महत्वता नहीं है, क्योंकि आधारभूत तत्व को बिना रोगों को का निदान पूर्ण नहीं होता। आधारभूत तत्व का जाने बिना रोगों का निदान पूर्ण नहीं होता। चौथा है कि रोग व रोगी परीक्षा निदान, रोग व रोगी परीक्षा रोग निदान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, इसके द्वारा रोग का ज्ञान किया जाता है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है, रोग व रोगी परीक्षा रोग निदान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, इसी के द्वारा रोग का ज्ञान किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोष वृद्धि क्षय प्रकोप के समान निदान व लक्षण। इसके लिए जो सरक सूत्र अध्याय एक में 57 नंबर पर श्लोक दिया है वो है कि वायु पित्तम कपस च उक्त शरीर दोष संग्रह मानसा पुनरुदिष्टो रजस च तमेवच। वायु पित्तम कपस च उक्त शरीर दोष संग्रह मानसा पुनरुदिष्टो रजस च तमेवच, अर्थात रोग के अधिष्ठान शरीर व एवं मन है, अतः दोष भी दो प्रकार के हैं। ठीक है, तो जो वायु पित्त और जो कफ दोष हैं वो शरीर दोष माने गए हैं, और जो मानस दोष हैं वो रज और तम माने गए हैं। ठीक है, दोषों की विकृत अवस्था के पुनः दो भेद हैं, जिसमें पहला वृद्धि दूसरा है क्षय। तो विकृत अवस्था में दोषों का या तो वृद्धि हो सकता है या तो क्षय हो सकता है, या तो कब बढ़ सकते हैं या तो कम हो सकते हैं। ठीक है, चरक सूत्र अध्याय 17 में बताया गया है कि दोषा प्रवृद्ध स्वयं लिंगम दर्शयन्ति यथाबलम छीड़ा जहाति लिंगम स्वयं समा स्वम कुरवती, अर्थात दोषों की प्रवृद्ध अवस्था के अनुसार यथाबल लक्षण उत्पन्न होते हैं। छीड़ हुए दोष अपने लक्षणों को शरीर में कम प्रदर्शित करते हैं, जबकि सम दोष अपने प्राकृत रूप में रहते हुए अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रवृद्ध मतलब बढ़े हुए जो दोष रहते हैं वो अपने लक्षण को बल के अनुसार शरीर में दर्शन करते हैं, शरीर में उत्पन्न या उनके लक्षण दर्शित होते हैं। जो छीड़ होते हैं या छीड़ हुए जो दोष होते हैं वो लक्षणों को शरीर में कम प्रदर्शित करते हैं या उनके लक्षण कम दिखते हैं, और जो सम दोष रहते हैं समा स्वम कुरवते, तो
अपने प्राकृत अवस्था में रहते हुए अपना अपना कार्य करते हैं। ये हो गया चरक सूत्र के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हम दोषियों की वृद्धि क्षय व प्रकोप के सामान्य कारण। दोषों के गुण धर्म वाले आहार विहार का अधिक सेवन करने से दोषों की वृद्धि होती है। विपरीत गुण धर्म वाले आहार विहार का सेवन करने से दोषों का क्षय होता है। ठीक है, यथाबल दोषों की वृद्धि को सुश्रुत ने स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि सुश्रुत शारीर सूत्र स्थान 21वें अध्याय में वो है कि सर्वभावेश त्रिभावा अपि द्वयभावम एकेन व पुनः संसर्गे कुपिता क्रुधम दोषम दोष अनुधावति। उन्होंने बोला है कि दोष जो होते हैं वो सभी भावों से, तीनों भावों से, दो भावों से अथवा एक भावों से तथा संसर्ग होने से दोष वृद्धि होती है। दोषों के सभी भावों से, तीनों भावों से, दो भावों से अथवा एक भाव से संसर्ग होने से या इकट्ठा होने से दोष वृद्धि होती है। सभी भाव में वात पित्त कफ तीनों सब आ गए, तीनों भाव में क्या आ गया, तीनों आ गए वात पित्त कफ, दो भाव में वात पित्त आ गया या पित्त कफ आ गया अथवा एक भाव में कोई वात आ गया या पित्त आ गया या कफ आ गया, तो इन सब के संसर्ग होने से इकट्ठे होने के किसी एक जगह पे तभी दोषों की वृद्धि होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है वात का यहाँ पे कला है मतलब मटर सभी भावों में से वायु की वृद्धि करती है। चौलाई का साग रूक्ष शीत और लघु गुणों के कारण तीनों भावों की वायु की वृद्धि करता है। ईख रूक्ष शीत गुणों के कारण दो भावों की वृद्धि करती है। सीधू रोक्ष गुण के कारण एक भाव से वायु की वृद्धि करता है। ठीक है, कटुरस अथवा मध पित्त को सभी अंश से बढ़ाते हैं। हींगू कटु तीक्ष्ण उष्ण गुणों के कारण तीनों भावों से पित्त को बढ़ाता है। अजवाइन तीक्ष्ण उष्ण गुण के कारण दो भावों से पित्त को बढ़ाती है। तिल उष्ण गुण के कारण केवल एक भाव से पित्त को बढ़ाता है। मधुर रस या भैंस का दूध सभी भावों से कफ को बढ़ाता है। कशेरुक शीत व गुरु लघुण के कारण दो भावों से कफ को बढ़ाता है। मृणाल शीत के कारण एक अंश से ही कफ को बढ़ाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिए आपको ध्यान में रखना है, मटर हो गया, चौलाई हो गया, ईख हो गया, सीधी हो गया, ये हो गया वात के लिए, फिर हो गया कटुरस और मधपित्त, ये हो गया पित्त के लिए, हींगू अजवाइन और तिल ये हो गया पित्त के लिए, मधुर रस भैंस का दूध कशेरुक मृणाल ये सब हो गया कफ के लिए। इन्हीं गुणों की उत्तम मध्यम व हीन भावों के अनुसार परस्पर विरोधी दोषों का क्षय भी होता है। ठीक, अब हम देखते हैं वृद्धि के भेद। तो इसके लिए जो बताया गया कि वृद्धि ही द्विधा क्षय प्रकोप भेदेन, तो वृद्धि के दो भेद बताएंगे जिसमें पहला है क्षय और दूसरा प्रकोप। वातपित्त कंप संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर वृद्धि को प्राप्त करते हैं, अतः वृद्धि के दो भेद हैं क्षयजन वृद्धि और प्रकोपजन वृद्धि। क्षयजन वृद्धि ही उत्तर काल में प्रकोपजन वृद्धि में प्रवर्तित होती है, अतः दोष अनुसार दोषों के संचय व प्रकोप का वर्णन किया जा रहा है। आचार्य वाग्भट ने वृद्धि के भेद संचय व प्रकोप का स्पष्ट वर्णन करते हुए तदनुसार प्रशमन का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो एक तो इकट्ठा होना संचय होने से व दोषों का संचय होने से दोषों की वृद्धि होती है, और एक प्रकोप होने से दोषों की वृद्धि होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वात का संचय प्रकोप व प्रशमन तथा पित्त और कफ का संचय प्रकोप व प्रशमन। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।